हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। और मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं, ये इंग्लिश ग्रामर, खासकर जो जब राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं, राइटिंग एक्सरसाइजेस की बात करते हैं, तो इसमें बहुत ही कॉमन टॉपिक है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसका स्टाइल क्या है, इसकी इसकी लैंग्वेज क्या है, और इसको कैसे लिखा जाए अच्छी तरीके से, ताकि एग्ज़ाम जब आप में एग्ज़ाम में ये जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो किस तरीके से आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं, तो उस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या है, और इसको कैसे लिखा जाता है, थोड़ा शॉर्ट वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट एंड स्टाइल। सबसे पहले देखिए बात करते हैं लेटर्स की। देखिए आजकल जिस तरीके के एटमॉस्फेयर में, जिस तरह के एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, वहाँ पर जो लेटर्स हैं वो खासकर इनफॉर्मल लेटर्स बहुत ही अब आउटडेटेड चीज़ हो गई है, क्योंकि हम उस ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस और बहुत फास्ट हो गई है। तो एक समय जब था, अगर वो जो लोग जिन्होंने 90s और 2000 का दौर देखा है, तो उस ज़माने में या उससे थोड़ा सा और पीछे भी चले जाए, तो लोग लोगों के पास इतने साधन नहीं हुआ करते, तो लोग लेटर्स लिखते थे, एक दूसरे को चिट्ठियां लिखी जाती थी, और चिट्ठियों का फिर इंतज़ार किया जाता था। तो एक चिट्ठी के एक्सचेंज में कम से कम 10 से 15 दिन लग जाते, तो एक समय वो भी था। लेटर्स आज भी लिखे जाते हैं, बहुत सारी ओकेजन ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आज भी लेटर को ही मान्यता दी जाती है, क्योंकि लेटर एक एक रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि आज की डेट में भी बहुत वैलिड है। हालांकि स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छे लेटर को किस तरीके से लिखा जाता है। देखिए लेटर्स पहले बात करते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं इनफॉर्मल लेटर, दूसरे होते हैं फॉर्मल लेटर। और लेटर्स बेसिकली होते क्या है, लेटर्स आर द मैसेजेस दैट हैव सर्टेन फॉर्म्स। लेटर एक तरीके के मैसेज होते हैं, लॉन्ग और डिटेल्ड मैसेज होते हैं, जिसमें आप कोई बात कहना चाहते हैं, कुछ अपने मन के विचार रखना चाहते हैं, कुछ आपके थॉट्स हैं, एक्सप्रेशन है, या को फिर आप कोई इन्फॉर्मेशन किसी को देना चाहते हैं, तो वो लेटर के फॉर्म में लिखे जाते हैं। भेजने के तरीके बदल गए हैं, वो ट्रेडिशनल जमाना थोड़ा सा खत्म हो गया है कि लोग चिट्ठियाँ लिखकर फिर उसको पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट करते थे, एड्रेस लिखकर और स्टैंप लगाकर। लेटर हम बात करते हैं लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। देखिए इनफॉर्म पहले बात, ये चूंकि वीडियो सिर्फ इनफॉर्मल लेटर पर है, तो हम सिर्फ इस वीडियो में केवल और केवल इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए इनफॉर्मल लेटर्स होते क्या हैं और ये किनको लिखे जाते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर आप किसी को भी लिख सकते हैं, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, आपके फैमिली के मेंबर हो सकता है, या जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत ही परिचित आदमी है, उसको आप लेटर लिखते हैं। वो लेटर्स क्या होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स। तो इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और टू समवन हुम यू नो वेल, जिसको आप अच्छे से जानते हैं। कुछ बातें हैं जो जब आप एग्जाम में ये किस तरीके के क्वेश्चन पेपर्स में इस तरीके का क्वेश्चन आता है और उसको सॉल्व करते हैं, तो अच्छे नंबर लाने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको याद रखना ज़रूरी है और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि नंबर आपके अच्छे आए। तो कुछ दो चार बातें हैं कि देखिए, सबसे पहले जो उसका स्टाइल है लिखने का, देखिए इनफॉर्मल लेटर का कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉर्मेट तो है ही, खैर फॉर्मेट तो होता ही है, लेकिन कोई स्ट्रिक्ट स्टाइल नहीं होता है। थोड़ा सा लिबर्टी आप ले सकते हैं लेटर लिखने में, क्योंकि आप अपने किसी जानने वाले को लेटर लिख रहे हैं, आपको परिचित है ऑलरेडी, अपने फैमिली में से ही किसी को लिख रहे हैं, फादर को, मदर को, भाई बहन को, या बहुत अच्छे दोस्त को लेटर लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा लिबर्टी उसमें हम ले सकते हैं इन कंपेरिजन टू फॉर्मल लेटर्स, जो कि बेसिकली बिजनेस लेटर्स होते हैं। जैसे लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं, आप किसी डीएम को लेटर लिख रहे हैं या किसी ऑफिसर को लेटर लिख रहे हैं, वो थोड़ा सा अलग होता है। तो जो तो दो तीन बातें ध्यान रखने वाली बात है, उसमें सबसे पहला इजी एंड कॉन्वर्सेशनल स्टाइल, जो आप जिस स्टाइल में लेटर लिख रहे हैं वो थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए कि फॉर्मल लैंग्वेज ना यूज करें तो बेहतर है, कॉन्वर्सेशनल स्टाइल थोड़ा सा होना चाहिए। दूसरा क्या है, इनफॉर्मल एंड ईजी टू कॉम्प्रीहेंड लैंग्वेज, जो लैंग्वेज में आप लेटर लिख रहे हैं, भाषा चाहे कोई भी हो। अब चूंकि ये बात, चूंकि ये चैनल इनफॉर्मल लेटर इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक है, तो जो लैंग्वेज है वो तो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं, वो पढ़ के उसको भाषा को आपको अच्छी तरीके से समझ ले कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। वी कैन टच मैनी सब्जेक्ट्स इन द ऑर्डर वी लाइक, जैसे कि मैंने बताया कोई स्ट्रिक्ट स्टाइल नहीं है, स्ट्रिक्ट फॉर्मेट नहीं है इसका कोई।
तो इसमें भाई कुछ भी आप सब्जेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं और किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, कोई बिल्कुल फ्री हैंड होता है इसमें, ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल प्रॉपर एक सीक्वेंस में ही सारी बातें कहें, जैसा मन करे आप वैसा उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वी कैन यूज कोलोकियल लैंग्वेज। कोलोकियल लैंग्वेज होता है जनरल आम बोलचाल की भाषा, तो चूंकि इनफॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल तरीके से आप लिख रहे हैं, तो उसकी जो भाषा है वो कोलोकियल लैंग्वेज हो सकती है। कोलोकियल लैंग्वेज का मतलब होता है जो नॉर्मली हम आम बोलचाल की भाषा हमारी होती है। लेजिबल हैंड राइटिंग, नेक्स्ट पॉइंट। लेजिबल का मतलब वो हैंड राइटिंग जो पढ़ी जा सके। देखिए इनफॉर्मल लेटर का मतलब इतना भी लिबर्टी अपना लेंगे कि आपने घसीटा मार राइटिंग में लिख दिया है, या ऐसे एडिट आने टेढ़ तिरछे शब्द लिखे हैं, या स्लैंग्स लिख दिए हिंदी में जिसको सर आप ही समझते हो और आपके ही क्षेत्र में वो सब शब्द बोले जाते हैं, दूसरा ना समझ पाए, तो ऐसा ऐसा लेटर लिखने को तो आप अवॉइड कीजिए। और तीसरा और छठा और आखिरी पॉइंट है अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक। कोशिश कीजिए कि ग्रामेटिकल एरर्स उसमें ना हो या फिर कम से कम हो। ऑल काइंड्स ऑफ लेटर्स हैव सर्टेन फॉर्म एंड स्टाइल। जितने भी लेटर लिखे जाते हैं सबका फॉर्म और सबका स्टाइल होता है। चूंकि हम यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इस फॉर्मेट की बात करते हैं कि इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। मॉडर्न इंग्लिश में जो हम मॉडर्न इंग्लिश पढ़ते हैं और खासकर आज जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, उसमें जो कुछ दो चार बातें हैं बहुत ही कॉमन है और ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इनफॉर्मल लेटर का एक प्रॉपर फॉर्मेट कैसे होता है, उसको ज़रा जल्दी से समझ लेते हैं। तो जब आप लेटर की शुरुआत करते हैं, जिस पेज पर आप लेटर लिख रहे हैं, तो उस पर एक साइड में, एक लेफ्ट साइड में मार्जिन होता है। उसमें मार्जिन में आप सबसे ऊपर क्या करते हैं, आप लिखते हैं एड्रेस। और एड्रेस किसका होता है, एड्रेस उसका होता है जिसको जो लेटर लिख रहा है, लिखने वाले का एड्रेस होता है। तो सबसे पहले ऊपर आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, जिस एड्रेस पर, जिस पते पर आप रह रहे हैं, जहां से आप लेटर लिख रहे हैं। देखो तो दूसरी चीज ये है कि जिन्होंने जो ये पहली बार ये सब चीजें सीख रहे हैं बच्चे, जब आप एड्रेस लिखते हैं तो एड्रेस हेडिंग नहीं डालनी वहां पर, आपको सिर्फ एड्रेस लिखना है। द एड्रेस शुड बी ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज एट द मार्जिन एंड द डेट मस्ट बी बिलो द एड्रेस। तो दो तीन चीज़ें हैं कि देखिए एड्रेस बहुत ही डिटेल्ड में नहीं होना चाहिए, दो या तीन लाइन में। जैसे आप, आपका हाउस नंबर है या फ्लोर नंबर है, मल्टीनेशनल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आप रहते हैं, कॉलोनी कोई है, उसके बाद मोहल्ला है या गांव है, शहर है, तो वो एड्रेस कोशिश करें दो या तीन लाइन में वो पूरा का पूरा एड्रेस आ जाए। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था B4, जैसे ये हाउस नंबर है, फर्स्ट फ्लोर बी ब्लॉक है, 24 जो है बिल्डिंग का नंबर, उसके फर्स्ट फ्लोर पर कोई रहता है, साउथ एक्सटेंशन Part 1 Part 2 नई दिल्ली में है, और उसका ये पिन कोड। ये तीन लाइन में कोशिश करें कि तीन लाइन में एड्रेस पूरा आ जाए। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे डेट। डेट के लिखने के कई फॉर्मेट्स हैं और जो प्रचलित सबसे कॉमन फॉर्मेट है उसमें पहले मंथ, फिर डेट और उसके बाद ईयर, जैसे June 24, 2023। ये अमेरिकन स्टाइल है कि अमेरिकन जो है मंथ को पहले लिखते हैं, डेट को बाद में लिखते हैं। या दूसरा तरीका है कि आप डेट को पहले लिखिए, मंथ को बाद में लिखिए, उसके बाद साल को लिखिए। दोनों ही जो ये फॉर्मेट है दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे और एक लाइन छोड़ने के बाद लिखते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन देखिए अभिवादन होता है। जब भी आप किसी को लेटर लिख रहे हैं, अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो डियर फ्रेंड, हेलो फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड ऐसा कुछ लिखते हैं। माता पिता को लेटर लिख रहे हैं तो उसको आप अभिवादन करते हैं। किसी रिश्तेदार को लिख रहे हैं तो आप उसको भी सैल्यूटेशन अभिवादन लिखते हैं। तो सैल्यूटेशन बेसिकली वो पहली लाइन है जो आप लेटर में डेट के बाद सबसे ऊपर लिखते हैं। तो सैल्यूटेशन इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेशन इन विच यू स्टैंड टू द पर्सन होम यू आर राइटिंग। देखो सैल्यूटेशन डिपेंड करता है कि आप किसको लेटर लिख रहे हैं और आपका उससे संबंध क्या है और कैसा है। आप जैसे फादर को लेटर लिख रहे हैं, अब फादर से जरूरी नहीं कि आपके संबंध बहुत ही याराना या दोस्ताना हो, तो आप रिस्पेक्टेड फादर लिखिए, डियर फादर लिखिए, माय डियर फादर लिखिए, डियर मदर, डियरेस्ट मदर, माय लविंग मदर, कुछ भी लिख सकते हैं, माय डियर फ्रेंड, फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, सिस्टर ब्रदर इनका नाम भी लिख सकते हैं अगर छोटे हैं, बड़े हैं तो माय डियर फ्रेंड, रिस्पेक्टेड ब्रदर, जो भी आप मर्जी लिखना चाहते हैं। फ्रेंड है तो फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, डियर अमित, डियर सरिता। तो कुल मिलाकर सैल्यूटेशन डिपेंड करता है कि आप किसको लेटर लिख रहे हैं और लेटर लिखने के साथ वाले के साथ आपके संबंध किस लेवल के हैं, किस तरीके के हैं। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे मेन लेटर यानी कि बॉडी ऑफ द लेटर। ये पूरा जो लेटर है जो आप लिख रहे हैं बेसिकली दैट पार्ट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द लेटर। अब इसका जो लिखने का स्टाइल है वो डिपेंड करता है फिर इसी बात पर कि आप किसको लेटर लिख रहे हैं और आपसे उस व्यक्ति के संबंध कितने अच्छे हैं और कैसे हैं।
अब कुछ दो चार पॉइंट हैं वो याद थोड़ा सा दिमाग में रखने होते हैं कि जब आप लेटर लिख रहे हैं, भले ही वो इनफॉर्मल लेटर है, थोड़ा सा कुछ बातें याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे और उन बातों को ध्यान में रखकर आप लेटर लिखेंगे तो आप निश्चित रूप से अच्छे नंबर इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला तो देखिए, लेटर को जब आप लिखना शुरू करते हैं तो एब्रप्टली लेटर को आप लगातार लिखते हुए मत जाइए। जितनी भी बातें आपने लिखी उसको कोशिश कीजिए दो या तीन या चार पैराग्राफ में उसको डिवाइड कीजिए, और उसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। पहले तो इंट्रोडक्शन लिखिए कि भाई आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, सामने वाले को ये बताइए कि लेटर लिखने का पर्पस क्या है, कि आपने किसी का लेटर मिला है उसको आप जवाब दे रहे हैं, या कोई आपको सूचना देनी है कि आपको सूचना मिली है इसलिए आप लेटर लिख रहे हैं। फिर सेकंड पार्ट में उसको पूरा एक्सप्लेन कीजिए और थर्ड पार्ट में उसको क्लोज कीजिए। दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली बात है कि यूज सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज। देखिए, भाषा बिल्कुल सीधी और सरल होनी चाहिए, ऐसी जो सामने वाले को पढ़कर समझ में आए। जस्ट ट्राई टू अवॉइड यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड्स, स्लैंग्स मत यूज कीजिए। चाहे कितना भी अच्छा दोस्त हो, कि मान लीजिए कोई वो लेटर कोई और ही पढ़े, किसी और के हाथ लग जाए वो पढ़े, तो इंप्रेशन थोड़ा सा अच्छा नहीं पड़ता है। तो थोड़ा इन सब चीजों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अवॉइड फैंसी एंड डिफिकल्ट वर्ड्स, बड़ा ही फैंसी टाइप के वर्ड, जैसे मैंने बोला लोकल वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ आपके एरिया में ही बोले जाते हैं, या कुछ बहुत मुश्किल से शब्द हैं जिनका मीनिंग पढ़कर समझ में ना आए। कभी कभी लोग दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे जानबूझकर इस तरह की बहुत ही डिफिकल्ट वोकेबुलरी यूज करते हैं, तो उन सब चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। जिसमें डिक्शनरी लेकर लेटर का मतलब समझना पड़े तो उस लेटर का फायदा कुछ है नहीं। नेक्स्ट, बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से, जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो बिल्कुल इंटेंशन मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं ये कहना चाहता हूँ या फिर ये मैं लिखना चाह रहा हूँ। दूसरा, ट्राई टू बी कंप्लीट, इंफॉर्मेशन आप जो भी दे रहे हैं वो पूरी हो, आधी अधूरी जानकारी देने की उसमें आप कोशिश ना करें। सो वॉट एवर यू वॉन्ट मैसेज यू वॉन्ट टू कन्वे, द मैसेज शुड बी वेरी क्लियर एंड इट शुड बी कंप्लीट। राइट नीटली, कोशिश करें कि राइटिंग आपकी ऐसी हो कि सामने वाला उसको पढ़ सके। इतना भी ना ऐसा लिखें जैसे कहा जाता है डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग, या तो वो खुद ही पढ़ पाते हैं या कोई मेडिकल वाला पढ़ के समझ पाता है, कई बार तो वो भी नहीं समझ पाते। तो कोशिश कीजिए राइटिंग थोड़ी सी साफ सुथरी हो। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है तो प्रेफर कीजिए कि आप उसको टाइप कर दें घर में, अगर लैपटॉप या कंप्यूटर है। यूज पंक्चुएशन एट द अप्रोप्रिएट प्लेस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंक्चुएशन मार्क का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप पंक्चुएशन मार्क किसी गलत जगह पर लगा दें तो सेंटेंस का कई बार मतलब बदल जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, हिंदी में बोल रहा हूं, या रोको मत जाने दो, आप ये देखिए अपने पॉज दो अलग अलग जगह लगाया, दोनों में सेंटेंस का मतलब बदल गया है। तो ये तो कुछ कॉमन चीजें जो आप थोड़ा सा याद रखिए। अब जब ये आपने पूरा लेटर लिख लिया तो फिर एक लाइन छोड़ के सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि लास्ट में आप कुछ एक लिखना होता है, क्लोजिंग लाइन लिखिए। तो ऐसा नहीं है कि लेटर आपने लिखते गए लिखते गए एकदम से लेटर आपने एंड कर दिया, थोड़ा सा इम्पोलाइट थोड़ा सा रूड मालूम पड़ता है, इन सब चीजों का ध्यान रखिए। उसके बाद क्या है कि आप सब्सक्रिप्शन में दो चार चीज़ें हैं जो डिपेंड करता है कि आप किसको लेटर लिख रहे हैं। कुछ लोग योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर्स फ्रेंडली, योर्स लविंगली, ये सब वर्ड्स हैं जो कि आप लेटर की क्लोजिंग में यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा एरर जो बच्चे यहाँ करते हैं, खासकर छोटी क्लास के बच्चे जिन्होंने लेटर अभी उनको सिखाया गया है और लेटर लिखना उन्होंने अभी क्लास में पहली बार शुरू किया है, जहाँ पर ये योर्स है, योर में अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है, वाई ओ यू आर एस, वाई कैपिटल बनाएंगे, बाकी दूसरा जो शब्द है उसको आप स्मॉल में लिख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना पहला लेटर कैपिटल है और इसमें यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी इस तरीके से नहीं लगाते, ये गलत है। वाई ओ यू आर एस, वाई कैपिटल। योर सिंसियरली फ्रेंड के लिए यूज़ कर सकते हैं, और फेथफुली भी आप अपने फ्रेंड के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ्रेंडली भी यूज़ कर सकते हैं, लविंगली अपने भाई बहन माता पिता किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद एक लाइन छोड़ के सिग्नेचर एंड नेम। देखिए, कई बार लेटर में सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती, इनफॉर्मल लेटर में खासकर, तो आप क्या कर सकते हैं, सिग्नेचर करना चाहें तो कर दीजिए, नहीं तो सिर्फ आप अपना नाम लिख दें, और नाम में भी ध्यान रखें केवल फर्स्ट नेम ही उसमें पर्याप्त होता है। तो ये तो था भाई इनफॉर्मल लेटर का स्टाइल कैसे लिखा जाता है, उसका प्रॉपर फॉर्मेट, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में अगर आपका कोई सजेशन है तो सजेशन से मुझे ज़रूर अवेयर कराएं, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।